मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में वीतराग विज्ञान मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर तक श्री इंद्रध्वज विधान का आयोजन बड़ा फवारा स्थित श्री महावीर स्वामी दिगंबर जिनालय में किया जा रहा है। फेडरेशन के मीडिया प्रभारी श्री दीपक राज जैन ने बताया कि इस प्रसंग पर 22 दिसंबर को मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शाविकाओं सहित सामाजिक बंधु सम्मिलित हुए। इस अवसर पर हमें हमारे आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, पंडित जी साहब, भाई श्रेणिक जी, ब्रह्मचारी मनोज जी, फेडरेशन के अध्यक्ष हमारे संजय जी, ग्रीन बेली का और साथ में पूरे युवा फेडरेशन की टीम का बहुत सहयोग मिला। एक एक श्रावक श्राविकाओं ने आज जैन सिद्धांतों से ओतप्रोत गीतों का आनंद लिया, जिन शासन की मंगल प्रभावना की मंगल कलश यात्रा निकाली और महावीर स्वामी जिनाले बड़े फुहारों में हमने आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हमें हमारे पंडित श्री सुनील जी धवल हमारे भोपाल से यहाँ पधारे, उनका विशेष लाभ मिला। मैं आपको जबलपुर मंडल फेडरेशन की ओर से सादर आमंत्रित करता हूँ फुहारा स्थित महावीर जिनाले में। आइए दोस्तों, एक हफ्ते तक हम इंद्रध्वज विधान के माध्यम से धर्म आराधना करेंगे, मंगल प्रवचनों का लाभ लेंगे और साथ में जिन शासन की मंगल प्रभावना करते हुए आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग जानेंगे। जबलपुर के नगर निगम में लंबे समय से भाजपा पार्षद दल के द्वारा पार्षद मद की राशि की मांग समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर आवाज उठाई जा रही है। वहीं भाजपा पार्षद दल के द्वारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोगों ने, सभी लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं और भी कई हमारी मांगे थी कि एक तो ये जो लाउड स्पीकर के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये जितने स्पीकर लगे हुए हैं इनको सबको निकाला जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अभी कई वार्डों में पानी की सप्लाई बंद है, वो पानी की हमने बात रखे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं, आप पूरे शहर में जानवर को पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे, हर मोहल्ले में 100-150 कुत्ते हैं, उससे बहुत जनता का नुकसान हो रहा है। आज हम सभी लोगों ने इस प्रकार की मांगे रखी हैं और अगर 2 दिन में ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती है तो आने वाला समय नगर निगम के लिए बहुत भयानक होगा। अलग अलग जो समस्या है उसके लिए ज्ञापन दिया गया, पहला एक पार्षद मत के काम, दूसरा उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो नियम निकाला था भारत मध्य प्रदेश शासन द्वारा कि मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं चलना चाहिए, उसके बारे में, और जो जनरल समस्या है जैसे लाइट की और जल की समस्या है उसके बारे में ज्ञापन दिया।